तो बच्चा लोग, चलिए अब हम लोग आज अपने इस बायोलॉजी के सिलेबस का, क्लास 12th बायोलॉजी का आखिरी पार्ट खत्म कर लेते हैं। सो दिस विल बी आवर लास्ट पार्ट इन विच विल बी डीलिंग विथ ससेप्टिबिलिटी ऑफ टू एक्सटेंशन पार्ट, एंड देन व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स एक्सटेंड, द रीजंस बिहाइंड दैट, एंड एट लास्ट विल बी डीलिंग अबाउट व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी आर डूइंग टू कंजर्व देम, टू प्रोटेक्ट देम। ओके, सो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट इट इज ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन। लुक, स्पीसीज मोर ससेप्टेबल टू एक्सटेंशन है फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि ज्यादा ससेप्टेबल है, जो कि ज्यादा आप कह सकते हो रिस्की है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, उनमें ये सब कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज लार्ज बॉडी साइज, उनका बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है, ये बहुत नुकसानदायक है उनके लिए। ठीक है, ये जो भी लार्ज बॉडी साइज वाला बात है, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है उनके लिए। और इसका कारण ये है कि देखो, बड़ा साइज का होने की वजह से उनको खुद को एग्जिस्ट कराने के लिए ज्यादा फूड चाहिए होता है, उनको ज्यादा आप कह सकते हो रिसोर्सेस चाहिए होता है, जो अक्सर घटते रिसोर्स की वजह से मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो प्रोडक्टिव रेट। देखो, पिछले वाले में बॉडी साइज बड़ा था, इस बार वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल पॉपुलेशन साइज, इनका पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, इनका पॉपुलेशन साइज छोटा होता है और रिप्रोडक्टिव रेट कम होता है, यानी बहुत धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करते हैं ये। तो एग्जाम्पल इज जायंट पांडा, ब्लू वेल, ब्लू वेल हो या जायंट पांडा हो, इन सभी में ये चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट कम्स द हाई ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, वैसा ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में थोड़ा हाइयर सिचुएटेड है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है भाई कि हाइयर सिचुएटेड वाले में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है? तो यहाँ पे कारण ये है कि जैसे मान लो, जो जितना हाइयर रहेगा उसमें उतना ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा। है ना, जो जितना ज्यादा हाइयर होगा उसमें उतना ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मिलेगा, और जितना ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसका क्या मतलब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज्यादा यानी टॉक्सिसिटी उसमें उतना ज्यादा होगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जाना ज्यादा यानी टॉक्सिसिटी ज्यादा होना, वहां पे टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो भी अमाउंट है वो बहुत तेजी में बढ़ेगा। अगेन इज फिक्स्ड हैबिट एंड माइग्रेटरी रूट, वैसे बर्ड्स वैसे एनिमल्स जिनका हैबिट्स फिक्स्ड है, उनको पता है कि वो यही करेंगे और यही इसी रास्ते पे यहीं पे आके पानी पियेंगे, ये अगर फिक्स हो जाए तो मान लो कि अगर पानी का वो जो सोर्स है वही खत्म हो जाए, तब तो फिर से दिक्कत होगा, क्योंकि पानी का सोर्स आप जैसे ही खत्म कर रहे हो, अब वो कहीं और जाने के यूज टू में नहीं है, ये आपको पता है, तो वो कहीं और जाएंगे नहीं, और जहां सोर्स था, जहां पानी था, वो पानी अब है नहीं, तो नुकसान तो होना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइलैंड स्पीसीज। देखो, आइलैंड स्पीसीज का दिक्कत ये है ना कि आइलैंड में बहुत ही आप कह सकते हो छोटा सा एरिया होता है, फिक्स्ड क्लाइमेट होता है, सब कुछ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टाइप का होता है, तो जरा भी वेरिएशन मिला उस रिस्ट्रिक्शन से तो दिक्कत होगा, जरा भी वेरिएशन उस रिस्ट्रिक्शन से तो दिक्कत होगा, और यही मेन इश्यू होता है। आगे सुनिएगा, ओहो ये अलग ही इश्यू है इसमें। अच्छा, पेन इज सेलेक्टिंग, सो आई नीड टू यूज दैट माउस। तो नाउ कमिंग टू द रेड डाटा बुक, जरा समझिएगा रेड डाटा बुक क्या है। शायद ये हम बताए थे, आई एम नॉट श्योर, बट ओके। रेड डाटा बुक में क्या होता है कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि खतरे में है, उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। करता कौन है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU, इसके पीछे है WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसको कि पहले हम लोग IUCN बोलते थे। IUCN यानी
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN और ये WCN। IUCN था पहले नाम, अब उसका नाम हो गया है WCN, WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, एंड नहीं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉर्गस, स्विट्जरलैंड। मॉर्गस ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। मॉर्गस स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये 8 कैटेगरी बनाए ये लोग मिलकर, पूरे ऑर्गेनिज्म का कितना कैटेगरी तैयार करें? 8 कैटेगरीज, ठीक है। ये टोटल कितना कैटेगरी बनाए? 8 कैटेगरी बनाए। और उस 8 कैटेगरी में क्या क्या था ये आपको याद रखना है बच्चों लोग। फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट, वैसे एनिमल जो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वैसे एनिमल जो जंगल में खत्म हो गए, जू ये सब में है। क्रिटिकली इनडेंजर्ड, जो बहुत ज्यादा डेंजर्ड है। इनडेंजर्ड, वल्नरेबल, खतरे में आने वाले हैं, मतलब खतरे के लिए सबसे अधिक ससेप्टेबल है, सबसे अधिक चांसेस है कि अगर खतरा हुआ तो सबसे पहले इनको होगा, ऐसा वाला केस। नेक्स्ट इज लोअर रिस्क, इनमें रिस्क बहुत कम है, डाटा डिफिशियंट, हमारे पास डाटा ही नहीं है और इवेल्युएट करने का कोशिश ही नहीं करें, ऐसा वाला, मतलब इवेल्युएट करने का कोशिश नहीं करें मतलब जरूरत ही नहीं पड़ा। ओके, सो क्रिटिकली इनडेंजर्ड, इनडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज, वैसा स्पीशीज जो खतरे में है। क्रिटिकली इनडेंजर्ड, इनडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज। अब सुनो, रेयर स्पीशीज क्या होता है? रेयर स्पीशीज में स्मॉल पॉपुलेशन होता है, वो ना तो वल्नरेबल है ना इनडेंजर्ड है, लेकिन लोअर रिस्क पे वो हमेशा होता है, क्योंकि उनका स्पीसी मतलब एक तो बहुत रेयर है और ऊपर से पॉपुलेशन बहुत छोटा है। जैसे मान लो मेरे जैसे 10 लोग हैं, तो एक तो 10 ही हो गए पूरे दुनिया में, तो बहुत रेयर हो गए, और 10 ही है बस, तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो चांसेस ना कि अगर कोई बीमारी फैला तो 10 के 10 को पहुंच जाएगा, क्योंकि छोटा पॉपुलेशन है, तुरंत पहुंच जाएगा, 10 ही लोगों को तो मारना, तो हम लोग लेस रिस्क पे तो हमेशा ही होता है, लेकिन लोअर रिस्क होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेयर स्पीशीज जो होते हैं, ये जो रेयर स्पीशीज होते हैं, वेट 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 वेट, हाँ, ये जो रेयर स्पीशीज होते हैं उनका पॉपुलेशन हमेशा ही छोटा होता है, और वो ना तो वेलनरेबल होते हैं ना ही इंडेंजर्ड होते हैं, जबकि लोअर रिस्क पे हमेशा होते हैं। एक टैक्सॉन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत बुरे तरीके से इंडेंजर्ड, अब खत्म तो तब खत्म, ऐसा वाला हालत। So this is when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild, बहुत ज्यादा risk है extinction का wild में, generally नहीं wild में, कि दुनिया से खत्म नहीं हो रहा है अभी, लेकिन जो जंगल में है वो almost खत्म खत्म पे आ गया, ऐसा वाला, ठीक है। So what does this mean is कि when it is facing very high risk of extinction in the wild, तो बात असल में ये है कि जूज में आप कितना ही दिन संभाल कर रखिएगा, जंगल में रहना चाहिए, जंगल में, ठीक है, तो जू में नहीं जंगल में बचाना है इसको। नेक्स्ट इज टैक्सॉन इज इनडेंजर्ड, एक किसी टैक्सॉन को इनडेंजर्ड तब बोलते हैं, टैक्सॉन इज इनडेंजर्ड when it is facing a very high risk of extinction in wild in near future, near future में अगर बहुत ज्यादा extinction का है खतरा, तो उसको हम लोग सिर्फ endangered बोलते हैं। Vulnerable क्या? Facing a high risk of extinction in medium future, अगर तुरंत लगता near future में खतरा है तो endangered, medium term future में मतलब कुछ समय के बाद, अभी तो ठीक ठाक है, अभी काम चला हुआ है, कुछ समय बाद खतरनाक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबल। कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने हैं बच्चे लोग, तो आई एक्सपेक्ट कि आप रट लीजिएगा।
हम ज़्यादा कचरा नहीं करते उसमें, बट फिर भी लेट मी रीड इट एट वंस, एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड और वल्नरेबल तीनों में प्लांट का एक एग्जाम्पल है और एक एनिमल का एग्जाम्पल है, वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ हर बात होता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपसे वादा करा था, इसके बाद हम वही बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो क्यों करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए का दो जवाब है। पहला एक नैरो, मतलब पैसा के हिसाब से, और दूसरा कि वो और सुकून के लिए क्या कह देता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम उनको तीन कैटेगरी में बांटे हैं। पहला नैरो, मतलब पैसा वाला, जैसे देखो पाइनस एबेस बाउसिलिया, ये मेजर सोर्स ऑफ पेपर है। पाइन रेसिन जो है वो पाइनस से करते हैं, जबकि डैमर सोरिया रोबुस्टा से मिलता है। गम गोंद, बंगाल किमो गम हो गया, या फिर गम अरेबिक हो गया, ये सब वहां से मिलता है। टैनिन, देखो तुमको बस नाम याद रखना है, ठीक है, तुमको सिर्फ नाम याद रखना है। फिर ये जो टैनिन्स है, ये टैनिन तो केशिया से मिलेगा और सीधे कई साल्पनिया से मिलेगा। देखो आपको करना ये है कि आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि पाइनस से मिलता है, मतलब पेपर बनाने के काम आता है, रेजिन देता है, गम देता है, टैनिन देता है, कुछ इंपॉर्टेंट डाइज देते हैं, है ना, इस तरीके से आपको बस याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट डाइज में बात करें तो कच या कत्था जो है, कत्था कत्था कलर होता है ना, रंग कत्था रंग, केसरी, केसरी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कत्था। कत्था वो हॉटवुड से, अकेशिया कैटेचू से मिलता है, हीनालिस मेहंदी मेहंदी, फिर हीमेटोक्साइलॉन हो गया, इस तरह से बहुत सारा मिलता है। खैर उसके अलावा कुछ ड्रग भी मिलता है, जैसे मॉर्फिन क्विनिन, ये सब अलग अलग चीज़ों के काम में आता है, ये आप जानते हैं। मॉर्फिन का अपना काम है, टैक्सोल का अपना काम है, रिजरपाइन का अपना काम है, तुम देख सकते हो। क्विनिन का अपना काम है, क्विनिन एंटी मलेरिया होता है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक होता है, ये जो भी सर्जरी वर्जरी होता है उसमें काम में लेते हैं, एनाल्जेसिक, नींद आएगा, एंटी मलेरियल, टैक्सोल एंटी कैंसरस होता है, रिजरपाइन जो होता है ये हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ों में काम आता है। तो इम्पोर्टेंट है आपको बस याद रखना है। ये अभी तक चल रहा है नैरो यूटिलिटी क्या है। नैरो यूटिलिटी में दो तीन और है, फिर आएंगे ब्रॉड यूटिलिटी में। तो नैरो में एक चीज और आप सुन लीजिए कि मोर देन 25% ऑफ ड्रग जो है वो जो मार्केट में बेचा जाता है वो सीधा सीधा प्लांट से डिराइव किया जाता है, मोर देन 25, और वो कितने प्लांट, 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाय नेटिव। जैसे देखो हमारा मेडिसिन आयुर्वेद है, उसी तरह अलग अलग जगह का अपना अपना मेडिसिन है, तो वो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो उस लोकल एरिया में होने वाले ट्रेडिशनल प्लांट से डिराइव किया जाता है, और वैसे ऑलमोस्ट 25,000 प्लांट है, ठीक है। उसके बाद बायो प्रोस्पेक्टिंग का अगर हम बात करते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग में तुम्हारा आ जाएगा जैसे जो भी मॉलिकुलर जेनेटिक या फिर स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी है, उससे हम लोग कोई नया नया प्लांट बायोटेक के हिसाब से, बायोटेक के अनुसार यूज करके नया नया चीज बनाते हैं, इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये अभी तक चल रहा था नैरो यूटिलिटी, नैरोली क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रॉड, ब्रॉड यूटिलिटी एक्सपेक्ट क्या होता है उसके बारे में। इकोसिस्टम का अपना अपना कुछ यूज है, अपना अपना कुछ काम है। अब ब्रॉड यूटिलिटी में और तीसरा इथिकल होगा, इन तीनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। अगर हम ब्रॉड यूटिलिटी में बात करें तो जो नेचर जो हमको प्रोवाइड करता है पैसा के अलावा, वो जैसे अमेजन फॉरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन को एटमोसफेयर में वापस डालता है। पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो जाहिर सा बात है ना सीड होगा, ना फ्रूट होगा, ना खाना होगा। सॉइल बनाता है, इरोजन कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को, एस्थेटिक प्लेजर देता है, बहुत सारा चीज देता है, ये ब्रॉड यूटिलिटी और इथिकल एस्पेक्ट।
ये जो हमारा मोरल ड्यूटी था ना उस तरह का इथिक्स, एवरी स्पीसीज हैज इट इंट्रिंसिक वैल्यू, हर स्पीसीज का अपना कुछ ना कुछ काम है, भगवान किसी में बेकार नहीं बनाए, तो जरूर हमारा भी मोरल ड्यूटी है कि हम उन सबका ख्याल रखें। ओके सो दिस इज इथिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, अपना जब कैसे करें इस पे बात कर रहे हैं। कैसे कंजर्व करना इस बारे में जैसे ही बात करेंगे तो दो तरीका दिमाग में आएगा, एक आएगा इन सिटू और दूसरा आएगा एक सिटी, जहां है वहीं पे या जहां है वहां से कहीं अलग दूसरे जगह। इन सिटू का बात करें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों इस तरीके से काम करता है कि जहां पे कोई चीज है उसको उसी जगह पे प्रोटेक्ट करे। जैसे वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो पूरे वर्ल्ड में 37,000 एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया है कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा, डिक्लेयर करा गया। इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 90 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला जो बोल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करा जाता है, वाइल्ड लाइफ में सिर्फ एनिमल प्रोटेक्ट होता है। यहाँ हम लोग जंगल जैसा बात है, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगल तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा टारगेट जंगल बनाना नहीं होता, जंगल बचाना नहीं, हमारा टारगेट होता है एनिमल। उसी तरह अगर हम बात करें प्लांट के लिए, यानी नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क होते हैं, ये नेशनल पार्क बोथ फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका टारगेट होता है प्रोटेक्शन ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना, ओके, इनका काम होता है फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के जो है उसको 1975 में थोड़ा सा सुधारा गया, और बायोस्फीयर रिजर्व में अब उसको करा गया MAB प्रोग्राम के साथ, यूनेस्को का एक आया MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर, इस तरीके मैन और बायोस्फीयर दोनों को मिलाकर इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन एरिया होता है, देयर आर थ्री एरियाज इन द बायोस्फीयर रिजर्व, देखिएगा ध्यान से, देखो सबसे ऊपर होता है ट्रांजिशन जोन, ये एरिया ट्रांजिशन जोन से हम और अंदर जाते तो हमारे पास आता है बफर एरिया, बफर जोन, यानी ट्रांजिशन में एनिमल के साथ साथ थोड़ा बहुत जानवर भी आ जाएगा और ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउड है। बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम है, एनिमल एक्टिविटी ज्यादा है, और सबसे अंत में होता है कोर जोन, इस जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वो सिर्फ जानवरों के लिए शांति से जानवर रहेगा, कोई एनिमल नहीं, ठीक है। ये जो अच्छा ये जो MAB प्रोग्राम था, इस MAB प्रोग्राम का खास बात ये था कि ट्राइबल पीपल को एक इंटीग्रल कंपोनेंट बनाया गया सिस्टम का, आ गया कि ट्राइबल पीपल भी जंगल का एक पार्ट है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहला जोन था हमारा ट्रांजिशन जोन, जिसमें सेटलमेंट, क्रॉपिंग, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म सब अलाउड है। बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है, सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटी अलाउड है, और कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो आप देख रहे हो वही तीन पॉइंट हम लिखे हैं, तो वही तीन पॉइंट वहां है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होना चाहिए वहां। चलिए अब जो अगला तरीका है प्रोटेक्शन का, वो है सैक्रेड फॉरेस्ट, सैक्रेड लेक और सैक्रेड प्लांट। कुछ जंगल, कुछ तालाब और कुछ पौधा ऐसा है जो हम लोग पवित्र मानते हैं, सैक्रेड पवित्र। जैसे जंगल में बात करें तो आइलैंड ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट जो है, आई
आइलैंड ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट, इसको अच्छा इनको आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एक और नाम है नहीं, एक और नाम है सैक्रेड फॉरेस्ट टाइप। और एग्जांपल है जैसे खासी और जयंतिया हिल, ये शायद आप नाम सुने होंगे ज्योग्राफी में क्लास 9 या आई कैन रिकॉल ये क्लास 9 में पढ़ना। तो खासी और जयंतिया हिल जो है ये मेघालय में, और उस हिल्स में जो जंगल है फॉरेस्ट, उसी तरह अरावली की पहाड़ी राजस्थान, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, सुरगुजा चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ एमपी, ये सब तो हम लोग पवित्र जंगल मानते हैं, इसके उस जंगल को कोई नहीं काटता। जैसे हम लोग मानते हैं ना यार इस जंगल पे इस पेड़ पे भगवान हो, इस तरह तो नहीं काटेंगे, ठीक है। उसी तरह सैक्रेड लेक्स, पुष्कर लेक इन राजस्थान, कोई चुपलारी लेक इन सिक्किम, ये सब जो है वो सैक्रेड पवित्र झील माना जाता है। ये जैसे है हिंदुइज्म में तो सबसे बढ़िया गंगा लोग सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। उसी तरह से जमजम, जमजम का पानी कहा जाता है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट बट जो मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूँ शायद जमजम ही अगर हम गलत नहीं, तो ये इस्लाम में बहुत सैक्रेड माना जाता है। उसी तरह बहुत सारा आई गेस क्रिश्चियनिज्म में भी है कोई पानी जिसको बहुत सैक्रेड कहा जाता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो ये हर जगह है। उसी तरह सैक्रेड प्लांट, जैसे देखो क्रिश्चियंस में क्रिसमस ट्री पवित्र होता है, हिंदुइज्म में तो बहुत ज्यादा है, तुलसी हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, बहुत ज्यादा है। तो ये सब जो भी ऑस्मियम स्कैंटम और फाइकस ग्लिजियोसा, ये सब जो है ये सब सैक्रेड प्लांट है। ये फाइकस बरगद है, ये तुलसी है, और जाहिर सा बात है कि ये सब सैक्रेड प्लांट है तो उसको भी कोई नहीं काटता, है ना। उसी तरह एग्जेटिव का बात करते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो जहां है वहीं उसको कैसे बचाएं, अब बात कर रहे हैं एग्जेटिव, जो जहां है उसके अलावा दूसरे जगह पर ले जाकर उसको कैसे बचाएं। एग्जेटिव का जैसे ही बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज आता है, उसमें सबसे जो कॉमन है बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, एर्बोरिटा एक्वेरियम, एर्बोरिटा जो सिर्फ पेड़ पौधे जहाँ पे एर्बोरियल एनिमल्स को बचाते हैं, एक्वेरियम जहाँ एक्वेरियम तो सब जानते हो, सीड बैंक, डीएनए बैंक, टिश्यू कल्चर, हॉर्टिकल्चर ट्रेड, ये सब नया है, रिसेंट डेवलपमेंट है। सीड को ही कंजर्व कर लेना, डीएनए को कंजर्व करना, टिश्यू कल्चर के थ्रू वापस प्लांट को बनाना, हॉर्टिकल्चरल यानी जो पेड़ पौधा जो हमारे लिए यूजफुल है उसको कैसे बचाए। उसी में एक नया चीज है क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, ये काम हम लोग करते हैं जैसे पोटैटो में करते हैं। इसमें कंजर्व करते हैं वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स को, क्योंकि इसमें सीड बनता ही नहीं है, तो वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन ही हो रहा है अगर, तो हम उसको कंजर्व करते हैं, क्योंकि अगर एक बार सब्जी खत्म या जैसे मान लो आलू, साल भर तो नहीं टिकेगा ना, और आलू का सीजन साल भर तो होता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो आलू उगाए ठीक है उसको स्टोर कर लिए कोल्ड स्टोरेज में, अब अगले साल वही आलू को ले जाएंगे और यूज करेंगे खेत में। तो दिस इज व्हाट अबाउट क्रायो प्रिजर्वेशन, दो तरह का, पहला वेरी रैपिड कूलिंग, बहुत ज्यादा कूल करते हैं जिसको, जो सीड को स्टोर करने के लिए करते हैं, सीड बैंक बोलते हैं, और ग्रेजुअल कूलिंग और साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन, धीरे धीरे ठंडा करते हैं और बीच बीच में डिहाइड्रेट भी करते हैं यानी उसका पानी भी सुखा देते हैं। नाउ वी इन द वेरी लास्ट पेज ऑफ आवर चैप्टर, ये पेज अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वैसे एरियाज को बोलते हैं जहां पे कम ए जगह पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, हम लोग पहले बात करते हैं, बस पढ़ ले रहे हैं। हमसे पहली बार नॉर्मन मेयर दिए थे जो कि बोले थे कि अगर ऐसे स्पॉट को हम बचा लिए इन सिटू कंजर्वेशन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। और वो ये भी बोले कि ये सब जो एरिया है यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है और इंडिमिज्म है, मतलब ऐसा प्लांट एनिमल कहीं और नहीं मिलता, इंडिमिज्म भी बहुत ज्यादा है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिमिज्म भी ज्यादा है इसलिए इम्पोर्टेंट। इंडिया का अगर हम बात करें यहाँ पे 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया है, 8.1% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी पड़ चुके हैं। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट थे ग्लोबली, लेकिन अब उनका नंबर बढ़ के 34 हो गया है, और सोचो 34 है और उसका पूरे वर्ल्ड में एरिया कितना, लैंड मास वाइज 2%,
34 में से इंडिया में 3 है, याद रखना है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एक, इंपॉर्टेंट है बस, यू हैव टू लर्न। इंडो बर्मा इंडो बर्मा दूसरा और तीसरा हिमालय, तीनों इंडिया में मिलता है, इंपॉर्टेंट। अगला बात, ईस्टर्न हिमालय जो है वो एक्टिव सेंटर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मेनी एंजियोस्पर्म एंड मेनी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, ये बहुत पुराना बात है आप जानते हैं। अगर आप सिर्फ इन 34 एरियाज को प्रोटेक्ट कर लिए ना, सिर्फ इन 34 को, तो आप पूरे दुनिया में से एक्सटिंक्शन से कम तो 34% घटा सकते, आई मीन 30%, ठीक है। IUCN, WWF, ये दो ऐसा एरियाज है जो कि लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से मतलब है। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है, ना कि ये WWF वो वाला है जो आप समझ गए हम क्या। चलिए कमिंग टू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कुछ नहीं कर सकते, रटना है, रटेंगे। अगर अभी जिस तरीके से घट रहा है वो घटता रहा तो 200 साल में हम सारा दुनिया का जो भी वेल्थ खो देंगे। कितना सारा बिल आया था, वाइल्ड लाइफ बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1971, और एक आया फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में, जहाँ पे 190 कंट्री प्लेज किए थे कि हम करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को घटा देंगे 2010 तक, सब भूल गए। एक और समिट हुआ था उसी तरह का, अर्थ समिट, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हुआ था, ये हुआ था रियो डी जनेरियो में 1992 में। ये और ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट के भी लास्ट पार्ट में, अब हम लोग बात करेंगे कुछ अलग अलग जानवर जो जहां अलग अलग जगह पे प्रोटेक्ट होता है। लायन का प्रोटेक्शन होता है, लायन का प्रोटेक्शन गिर में जो कि गुजरात में है, अभी एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है इस बारे में। टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, प्रोजेक्ट चल रहा है। हजारीबाग में झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा एमपी में, और सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। आई गेस इतना क्लियर है। मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट, स्नो लियोपार्ड, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क गैंगटॉक में, वहां पे करते हैं। एलिफेंट को आसाम में, मानस में, काजीरंगा में जो कि आसाम में ही है, हाँ जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, काजीरंगा आसाम में ही, पलामू में जो कि झारखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट, हाँ उसके बाद राइनोसोरस के लिए बात करें तो देखो ये भी आसाम में ही, मतलब आसाम में काजीरंगा में दो चीज प्रोटेक्ट होता है, एक तो एलिफेंट और दूसरा राइनो, बट काजीरंगा इज मोर फेमस फॉर राइनो। उसी तरह मस्क डियर के लिए डाइचीग्राम जम्मू कश्मीर में, अच्छा राइनो के लिए एक और दिख रहा है जलपड्रा सेंचुरी, और मस्क डियर वाला 2016 में पूछा था मेडिकल। वन महोत्सव जनवरी से फरवरी और जुलाई में मनाया जाता है। साइलेंट वैली, एक्चुअली यहाँ पे कभी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी था इसकी, वहाँ बहुत अक्सर आवाज होता रहता था, समय के साथ साथ वहाँ पे सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया कॉफी के और टी के खेती की वजह से, और अब वो एकदम शांत हो गया, तो इसलिए अब उसका नाम ही पड़ गया साइलेंट वैली। फ्लेमिंगो का ब्रीडिंग प्लेस चिल्का लेक होता है, ओके। तो बच्चा लोग, आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, एंड दिस वाज अवर वेरी लास्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। आई गेस आपको साल बहुत अच्छा लगा, अच्छे से हम लोग समय गुजारे, हंसते खेलते पढ़े लिए। अब यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रिजल्ट दीजिए और फोकस ऑन नीट, बोर्ड के बाद नीट पर फोकस कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है और लगता है कि नहीं बेस बहुत तगड़ा हो चुका है बायोलॉजी में भी और बाकी पेपर्स में भी, तो किसी अच्छी कोचिंग में जाइए। लग रहा है कि नहीं अभी बेस इतना तगड़ा नहीं हुआ, तो देखो आपके पास अभी के बाद दो मौका मिलेगा, एक मौका इस साल, एक मौका अगले साल, तीसरा अटेम्प्ट के बाद मतलब, ठीक है। पहला इस साल लेना है, उसका अंदाजा लग जाए,
उसके बाद आप सोचिए कि अगर आप 50% रेडी हो तो गो टू किसी प्रीमियम कोचिंग, यहाँ पे आपको कंपटीशन मिले, पढ़ाई तो जो हम पढ़ाएंगे वो कोई भी पढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा आपको कि यू विल बी गेटिंग अ बेटर आइडिया कि कितना और कहाँ कौन कितना पढ़ रहा है। और अगर लगा कि नहीं आप 50% से कम है तो वापस मेरे पास आएगी, टारगेट बैच में हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, 50% से ऊपर जाएंगे, कम से कम 70-80% तक पहुँचेंगे। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो रिजल्ट भी हो सकता है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो रिजल्ट नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कि हम खुद में खुश हो गए कि अच्छा चलो इस बार सबसे अधिक मेरा है, ये नहीं खुश होना, वो खुश होना इस बात से अकेले हैं तो 80% ला रहे हैं नहीं ला रहे, 90% मार्क्स ला रहे नहीं ला रहे, ला रहे तो ठीक है नहीं ला रहे तो दिक्कत। चलिए फिर कभी बात करेंगे एग्जाम से पहले, एक बार डाउट का मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।